जो दर्शन हम आपको शिवलिंग के कराने वाले हैं, भैया का कहना है कि उस शिवलिंग में 12 शिवलिंग, एक ही शिवलिंग में 12 शिवलिंग विराजमान है और उसका जो वजन है वो 1.5 टन के बराबर है। तो आइए हम उस शिवलिंग के भी दर्शन करते हैं। इटावा में इस मंदिर के सिवा और कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ इतने विशाल के रूप में भोले बाबा विराजमान है और एक साथ 12 रुद्र के साथ विराजमान है। सबसे प्राचीन जो दक्षिणेश्वरी कहते हैं, यहाँ जो भी भक्त आते हैं, जो भी मनोकामना करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, सिद्ध होती है, सिद्ध होती है। क्योंकि क्योंकि यह एक सिद्ध मूर्ति है। अच्छा, मूर्ति बहुत है। जो भी आदमी का आपकी मनोकामना करे वो पूरी हो जाती है, मनोकामना अवश्य हो। यहाँ पर इटावा जिले में स्थित ये मंदिर जिसमें हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, भैया जी का कहना है ऐसे ही मंदिर है, जहाँ पर आपको ये हमारे पीछे देख रहे हैं 9 देवी स्थापित हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपके आसपास किसी क्षेत्र में या जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पर अगर कोई भी रहस्यमय मंदिर हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हम वहाँ तक आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप हमारे पीछे जो ये मंदिर देख रहे हो, ये जो मंदिर है ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। इसकी अपने आप में एक गाथा है, एक पारंपरिक कहानी है जो हम आपको बताएंगे, इसका रहस्य और इसकी महिमा बताएंगे। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वो उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में स्थित है ये मंदिर, और इस मंदिर का जो नाम है उसको टिक्सी टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो इस मंदिर का जो रहस्य है और जो इसकी महिमा है वो हम इसके अंदर ही चलकर जान पाएंगे। शहर के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह मंदिर यानी कि टिक्सी टेम्पल इस जनपद की अमूल सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। यहाँ पर माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य में, तो उस समय यहाँ इटावा फरुखाबाद कन्नौज के जो नवाब थे वो अहमद शाह अब्दाली के साथ मिले हुए थे। तो उस समय जो मराठा साम्राज्य के जो सरदार थे वो सदाशिवराव भाऊ जिनके नाम जिनको बोलते हैं, वो जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा, जब श्रद्धालुओं ने बोला कि आप इस मंदिर पर, भगवान शिव के मंदिर पर रुद्राभिषेक कीजिए तो आपको जीत मिल सकती है, तो मराठा साम्राज्य के जो राजा वगैरह थे उन लोगों ने रुद्राभिषेक किया इस शिवलिंग का और उन्होंने इस शिवलिंग की पूजा की, उनको जीत की प्राप्ति हुई। और यहाँ पर मान्यता है कि इस मंदिर का जो शिवलिंग है वो वशिष्ठ मुनि ने स्थापित किया था, विराजमान किया था, तो इसलिए इन महादेव को वशिष्ठेश्वर महादेव के नाम से और वशिष्ठेश्वर शिवलिंग के नाम से भी जानते हैं। मंदिर का नज़ारा जो हम आपको, जब आप सर्वप्रथम इस गेट के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये मंदिर जाने के लिए जो रास्ता है ये वशिष्ठेश्वर शिवलिंग तक आपको पहुँचाएगा। और यही वो रास्ता है जहाँ पर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और आपको उस शिवलिंग के दर्शन कराएंगे जो महाभारत कालीन वशिष्ठ मुनि के द्वारा स्थापित है। और मान्यता है कि उसका निर्माण सन 1772 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के सरदार ने करवाया था। तो ये सीढ़ियां हैं उन शिवलिंग पर पहुंचने के लिए। तो ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम आपको प्रवेश करने से पहले ये श्री माँ कालीवाड़ी मंदिर का द्वार दिखेगा, उसके बाद जब आप सीढ़ियों से चढ़ते जाएंगे उसके बाद आपको नौ देवी माता और द्वादश ज्योतिर्लिंग का रास्ता है ये जो हम आपको दिखाएंगे आगे चल के। अभी ये गेट बंद है। तो जिस शिवलिंग पर हम बात कर रहे हैं वो शिवलिंग काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, आप देख सकते हैं कितनी सीढ़ियां हैं, और अभी और सीढ़ियां बाकी हैं जो हम आपको वहां तक ले जाएंगे और भगवान शिव के आपको दर्शन कराएंगे जिनको वशिष्ठेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। और ये इटावा जिले का सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीनतम मंदिर है। भगवान शिव के मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। हालांकि आप देख रहे हैं कि ये जो शैली आपको दिख रही है यानी बनावट की जो प्राकृतिक शैली जो आपको दिख रही है ये मराठा साम्राज्य के द्वारा बनाई गई है, उनके द्वारा ये निर्मित है जो आप देख रहे हैं, इसकी कलाकृति का अवलोकन कर रहे हैं आप,
हमारे चैनल के द्वारा। और यही भगवान शिव का प्रवेश द्वार है जो हम आपको इसके अंदर प्रवेश कराएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये पत्थर जो आप हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाल पत्थर है और ये उस समय का 1772 ईस्वी यानी कि आज से 250 वर्ष पूर्व का पत्थर है। ये कितना काला पड़ गया है और आप देख सकते हैं एक प्रकार से यहाँ पर कितना पुरानी कलाकृति का अवलोकन हम आपको करा रहे हैं भगवान शिव के मंदिर का। ये गेट जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट मराठा साम्राज्य के द्वारा निर्मित है। यानी कि जब राजा सदाशिव राव ने इस गेट का निर्माण कराया था, उन्होंने भगवान शिव की रुद्राभिषेक किया था, उन्होंने भगवान शिव का, उनको एक जीत का आभास प्राप्त हुआ और यहाँ के काफ़ी श्रद्धालुओं ने उनको ये बताया कि इस शिवलिंग की ऐसी खासियत है कि अगर आप यहाँ पर रुद्राभिषेक करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो हम प्रवेश करते हैं इन सीढ़ियों के द्वारा। ओम धन के साथ मंदिर में प्रवेश करें यहाँ पर लिखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं ये मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इस कलाकृति का अवलोकन जो आप कर रहे हैं कितनी प्राचीन है और ये कलाकृति आज के समय में होना असंभव है। इन सीढ़ियों के द्वारा आपको भगवान शिव के दर्शन होते हैं। तो आइए हम ये सीढ़ियों पे हम चलते हैं और भगवान शिव के आपको दर्शन कराते हैं। और नज़ारा कुछ इस प्रकार से है यहाँ का, ये देखिए नज़ारा, ये देखिए, ये आप टिकरी देख रहे हैं बनी हुई, ये देखिए ये गुम्बद देखिए बने हुए, यहाँ पे दो गुम्बद बने हुए हैं और ये छतरी बनी हुई है, मराठा साम्राज्य के द्वारा ये छतरी बनाई गई है। और ये यहाँ का पीछे का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, हम आपको एक विशेष बात और बता दें, आप जो हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा यमुना जी के बिहड़ का नज़ारा है और इस मंदिर से यमुना जी की जो दूरी है वो मात्र 500 मीटर है। यानी कि उस समय जब यहाँ पे ऋषि मुनियों की तपस्थली हुआ करती थी तो उस समय जो ऋषि मुनि थे वो भगवान शिव के दर्शन पहले यमुना घाट पर जाकर नहाते थे, स्नान करते थे, उसके बाद भगवान शिव की आराधना में लीन होते थे। हम आपको बता दें ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं हमारे पीछे, ये जो छतरी जैसी बनी हुई है ये माननीय सदाशिव राव जी ने बनवाई थी 1772 ईस्वी में और इस मंदिर का संपूर्ण निर्माण जो कि पूरा समाप्त हुआ था वो 1780 ईस्वी में हुआ था। और जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता जा रही है राजा सुमेर सिंह के किले पे जाती है और आपको यहाँ यमुना जी का नज़ारा नहीं दिखेगा, थोड़ा काफ़ी दूर है, हमारा कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आइए फिर हम आपको भगवान शिव के दर्शन कराते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं और आप लोगों तक उस शिवलिंग को पहुँचाते हैं जो शिवलिंग हजारों वर्ष पुरानी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नंदी बाबा विराजमान हैं भगवान शिव के ठीक सम्मुख और इस मंदिर का नज़ारा, भगवान शिव के दर्शन कराने से पहले हम आपको इस मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं। इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ पर एक चार गुम्बद चारों कोने पर स्थापित हैं भगवान शिव, उसके बाद ये जो दूसरी गुम्बद है आप देख रहे हैं ये माता दुर्गा गुम्बद है दूसरी, उसके बाद ये जो तीसरी गुम्बद बनी हुई है ये ब्रह्मा जी विराजमान हैं इसमें, चौथी गुम्बद आपको हम दिखाने वाले हैं, उसके बाद हम आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाएंगे जो शायद आपको आश्चर्यचकित कर दे। भगवान शिव दोबारा से यहाँ पे वशिष्ठेश्वर रूप में विराजमान हैं और ये गुफा है अंदर जाने की, जो गुफा अब बंद कर दी गई है, कोई जाता नहीं है इस गुफा में। बिल्कुल सही बात, हम आपको वो नज़ारा दिखाने आए हैं
ये देखिए हम आपको बिल्कुल पास से दिखाते हैं, शीश का अवलोकन हम आपको पास से कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। ये देखिए ये जो आकृति है, ये कलाकृति है, ये जो शैली है, शैली को जो निर्मित मराठा साम्राज्य ने किया था, किस प्रकार किया होगा जो आज तक इस धरोहर का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और पहली बात तो ये, वैसे भी कहा जाए तो अपने मराठा साम्राज्य का तो वैसे भी शासन रहा है छत्रपति शिवाजी, आपने सुना होगा, तो उन्हीं के शासनकाल का है ये मंदिर। और भगवान जो शिव का मंदिर है वो इस गुम्बद में विराजमान हैं भगवान शिव, तो आइए हम उनके आपको दर्शन कराते हैं। ये है भगवान शिव की गुम्बद जो आप झंडा देख रहे हैं, लहरा रहा है भगवान का, और इस समय आपको हम उस मंदिर का अवलोकन करा रहे हैं। आज मंदिर में बहुत शांति है प्रांगण में, धनतेरस का त्यौहार है और इसलिए यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम है, और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर भक्त लोगों की संख्या काफ़ी कम है, आज एक दो लोग भक्त आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा है। अभी थोड़ा मंदिर, ये गुम्बद है, यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करने की चारों तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये नंदी बाबा मंदिर के ठीक सामने विराजमान हैं। और ये जो आप हमारे पीछे नज़ारा देख रहे हैं, ये यहाँ से ये पूरा बीहड़ का इलाका है, ये पूरा जो यहाँ से यमुना जी की दूरी है वो 500 मीटर की दूरी पर स्थित है यहाँ पर यमुना जी। जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, ये इटावा शहर का नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरे इटावा शहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए राजा सुमेर सिंह गेस्ट हाउस के लिए ये रोड जाता है, और हम आपको बता दें ये जो रोड आप देख रहा है आगे, ये ग्वालियर मार्ग है आपका, आप यहाँ से सीधा ग्वालियर पहुँच जाएंगे, और यहाँ से ठीक 500 मीटर की दूरी पर यमुना जी हैं। और ये आपको हम इटावा का नज़ारा दिखा रहे हैं यहाँ पर सर। ये मंदिर जो है वो दक्षिणी किनारे पर स्थित है, ये आप देख रहे हैं, ये भी रोड ये जो जा रही है ये आपको इटावा तक ले जाती है ये मार्ग आपका, और यहाँ से आप पूरे शहर का अवलोकन कर सकते हैं। शहर की जो आबादी है वो 256,000 के करीब है, यहाँ का रेशियो काफ़ी अच्छा है और आबादी वाला ज़िला माना जाता है ये। ये देखिए अब हम आपको भगवान शिव के दर्शन कराने वाले हैं। बस ओ नमः शिवाय। ये है वो शिवलिंग जो आप दर्शन कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ओम नमः शिवाय। तो भगवान शिव की सेवा में कार्यरत पिछले 7 वर्षों से माननीय श्री कैलाश नारायण जी हैं, जो पुजारी जी हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर भगवान शिव की सेवा में कार्यरत हैं। तो सबसे पहले हम पूजा कर लेते हैं। तो जैसा कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, भगवान शिव के जो आप दर्शन कर रहे हैं इनको वशिष्ठेश्वर शिवलिंग के नाम से जानते हैं। और इस शिवलिंग की जो स्थापना है, प्रचलित मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि महाभारत कालीन में भी अर्जुन और भीम ने भी इस शिवलिंग की पूजा की थी। और उसके बाद हम आपको बता दें, शिवलिंग की स्थापना पिछले 2-3 मान्यताएं हैं, और वशिष्ठ गुरु जी ने भी की थी। और इस मंदिर का जो निर्माण है, ये जो आप गुम्बद देख रहे हैं अभी हम आपको इसका नज़ारा दिखाएंगे, वो मराठा साम्राज्य में राजा सदाशिवराव भाऊ ने 1772 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था, और 1780 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण पूरा हो गया था। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं, आइए हम उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं, और इस मंदिर के बारे में जो भी उन्हें जानकारी है थोड़ा बहुत वो हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो आप भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं इस वक्त। ये सिद्धपीठ शिवलिंग है जो
हमारे इटावा जिले में स्थापित है, विराजमान है। तो जी पंडित जी, आपका नाम क्या है? कैलाश नारायण शर्मा। तो आप इस मंदिर में कब से आए हैं? करीब है आप 8-9 साल। अच्छा, तो प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, वैसे तो हमें जानकारी इसमें काफ़ी लोगों ने बताया भी है कि शिवलिंग की स्थापना वशिष्ठ गुरु जी भगवान ने। हाँ इनके द्वारा स्थापना ही है। अच्छा, इन्हें प्रेम कर लिया और कम से कम 2500 साल पहले का स्थापना है। अच्छा अच्छा, 2500 साल पुराना मंदिर है जी। और इसकी क्या महिमा, क्या रहस्य है? महिमा जो है मूर्ति बहुत पुरुष है, जो भी आदमी का आपकी मनोकामना करे वो पूरी हो जाती है, कामना अवश्य हो जाती है। और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु वगैरह तो आते हैं, बहुत भीड़ लगती होगी। हाँ, जैसे सावन पूरा महीना, शिवरात्रि, सोमवार और बाबा पूजा, त्योहार की वजह से इसमें भीड़ नहीं है। और जी आप देखना जो है मंगल के बाद अब जब चालू हो जाएगा, अब हर आदमी गृहस्थी में लगा हुआ है, दिवाली का टाइम है और पानी का एकदम बंद होना। इस जो मंदिर का जो गुम्मत का निर्माण कराया है, उस मराठा साम्राज्य के समय में जो कराया गया था, तो उस समय ये गुम्मत वगैरह नहीं था जब उन्होंने कराया उससे पहले? हाँ, पहले नहीं था, पहले जब बना पूरा। तो आप ही यहाँ पर भगवान शिव की सेवा में कार्यरत? चलिए, आपसे बहुत जानकारी प्राप्त हुई। हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, देखिए हम पूजा कर चुके हैं भगवान शिव की। ये वो शिवलिंग है, वशिष्ठेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, ये हजारों वर्ष पुराना है। और आप ये देखिए, ये जो गुम्बद आप देख रहे हैं, जो हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं, ये गुम्बद, ये टिकरी का निर्माण भी मराठा साम्राज्य ने ही किया था। ये भगवान शिव की आरती है पूरी, रुद्राभिषेक का रुद्राष्टक है पूरा, ये भगवान गणेश। और ये यहाँ पर जो कुछ कलाकृति हैं, भगवान ब्रह्मा विराजमान हैं यहाँ पर, और ठीक सामने भगवान गणेश हैं, भगवान शिव हैं। और आइए फिर हम यहाँ से चलते हैं भगवान शिव के दर्शन करके। और हम आपको बता दें, भगवान शिव के ठीक सम्मुख नादिया जी विराजमान हैं, और कोई भक्तगण आए हुए हैं, वो उनके कान में कुछ कह रहे हैं। तो ये है वो नज़ारा, यहाँ से अच्छा उल्टा हो रहा है, हम आपको यहीं से दिखाते हैं आपको पूरा। ये है भगवान शिव के ये देख रहे हैं आप, भगवान शिव के मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कलाकृति, देखिए आप कितनी पुरानी। और हम फिर से उन्हीं के सम्मुख आते हैं। ये हैं भगवान शिव के नंदी, भगवान शिव का वाहन जिनको मानते हैं। और ये भी मान्यता है कि भगवान नंदी के अगर कान में कुछ कहा जाए तो वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो चलो हम भी कोशिश करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बताई नहीं जाती है क्या मनोकामना है, वो बताई नहीं जाती। और बाहर आपको भगवान शिव का एक शिवलिंग मिलेगा छोटा सा, यहाँ पर आप बैठने की जगह है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं पूरा। और ठीक मंदिर के उस तरफ भी काफ़ी जगह है, तो यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो। उसके बाद यहाँ जो 3 घंटाल वगैरह के लगे हुए हैं, और यहाँ से हम नीचे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ काफ़ी हैं, और पुजारी जी के द्वारा हमें प्रसाद प्राप्त हो चुका है। और हम आपको यहाँ का अवलोकन कराते हैं उस जगह का, ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये जगह, इस जगह का हम आपको अवलोकन कराने वाले हैं। इसको हम बहुत नज़दीकी से आपको दिखाने वाले हैं कि ये कितना पुराना है, और इसकी जो शैली है, कलाकृति शैली है, उसको हम आपको दिखाएंगे। ये काफ़ी कितना पुराना है, और इसके ऊपर हम चल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए आप, यहाँ से भगवान शिव का मंदिर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखिए आप, सीढ़ियाँ हैं, ये जो गुम्बद है, ये जो कलाकृति है वो आप देख रहे हैं, ये है वो।
ये देखिए आप, ये चटक चुकी है, और ये देखिए, देख रहे हैं आप ये कितना पुराना मंदिर है, और ये इस कलाकृति मराठा साम्राज्य की कितनी पुरानी है। आज के 250 वर्ष पुराना मंदिर हम आपको दर्शन करवा रहे हैं उस कलाकृति का। अब हम नीचे चल रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे पुजारी जी का निवास है। यहाँ पर मुझे एक भक्त मिले हैं, यहीं के निवासी हैं, अजय राज वर्मा जी नाम है इनका, तो ये यहीं के निवासी हैं। तो आइए हम इनसे पूरी जानकारी लेते हैं और ये हमको मंदिर का अवलोकन कराएंगे। जो भी जानकारी, मैं यहीं का इटावे का निवासी हूँ, मैं करीब एक साल हो गया मुझे यहाँ पे आते। मैं इस मंदिर में इसलिए आता हूँ, और भी शहर में मंदिर है, यहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल मिलता है मुझे बहुत। अच्छा, ये मंदिर वैसे काफ़ी पुराना है अभी? हाँ, काफ़ी पुराना है, इतना मुझे जो नॉलेज नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, इसलिए तो मैं आपको एक नौ देवी माता का मंदिर है वो दिखाना देता हूँ। भैया ये देखिए, भैया जी हमको नौ देवी माता द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। भैया जी हमको रास्ता बता रहे हैं, लिखा हुआ है नौ देवी माता मंदिर का रास्ता, भैया चल रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। हाँ, उसमें एक ही शिवलिंग में 12 शिवलिंग बने हुए हैं। अच्छा, और उसका टोटल वजन है वो 1.5 टन का है। अच्छा अच्छा जी, मतलब भैया कह रहे हैं कि जो दर्शन हम आपको शिवलिंग के कराने वाले हैं, भैया का कहना है कि उस शिवलिंग में 12 शिवलिंग, एक ही शिवलिंग में 12 शिवलिंग विराजमान है, और उसका जो वजन है वो 1.5 टन के बराबर है। तो आइए हम उस शिवलिंग के भी दर्शन करते हैं। और ये कालीबाड़ी इटावा का सिद्धपीठ स्थान है जी, और इसी के स्थान पर बना हुआ नौ देवी मंदिर, जो 26 जनवरी 2015 को जिसकी स्थापना हुई। अच्छा अच्छा, और हमारे ताऊ जी थे श्री राघवेंद्र पुरवाल जी, इंदौर के रहने वाले थे, उन्होंने उनका ही कल्पना थी कि इस मंदिर को बनाने की। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, तो अब वो एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद इस मंदिर की सेवा हम ही कर रहे हैं। यहाँ नौ देवी विराजमान है एक साथ, और 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो हम आपको अभी दर्शन करा चुके हैं। और अब भैया जी से हम पूछेंगे, यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग विराजमान है जिसमें 12 शिवलिंग हैं, और जब उस शिवलिंग की स्थापना हुई थी तो वो जो जिस जगह हुई थी वो जगह चटक गई थी, और आइए हम उस शिवलिंग के आपको भैया जी के द्वारा दर्शन करवाते हैं जी। ये है, आप देख सकते हैं कि ये है वो शिवलिंग, एक तक 12 लोग प्रार्थना है। आप देख सकते हैं कि ये, आप गिन सकते हैं इनको पूरा, ये 12 शिवलिंग है, उनके शिवलिंग के आसपास 12 शिवलिंग विराजमान है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आप उस शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, यही है वो शिवलिंग जिस शिवलिंग के आसपास 12 शिवलिंग विराजमान है, और आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं किस प्रकार से ये चटक चुका है। और भगवान शिव के ठीक सम्मुख उनके वाहन, उनकी सवारी नंदी महाराज जी हैं, और भैया जी ने हमें पूरी जानकारी दी, और आप ये नौ देवी के दर्शन भी कर रहे हैं यहाँ पर। ये मुझे लगता है कि इटावी में इस जगह ऐसा स्थापित मंदिर है जहाँ पर आपको नौ देवी के दर्शन होते हैं। हाँ, पहला ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर, जहाँ इतना विशाल शिवलिंग और नौ देवी दरबार बना हुआ है। प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ केवल नौ देवी और द्वादश ज्योतिर्लिंग विराजमान है इटावा में। इस मंदिर विश्व और कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ इतने विशाल के रूप में भोले बाबा विराजमान है, और एक साथ 12 रुद्र के साथ विराजमान है। यहाँ पर इटावा जिले में स्थित ये मंदिर जिसमें हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, भैया जी का कहना है ऐसे ही मंदिर है जहाँ पर आपको ये हमारे पीछे देख रहे हैं नौ देवी स्थापित हैं, और भगवान शिव का शिवलिंग भी यहाँ विराजमान है। तो आइए और भैया से ज़रूर मिलें, यहाँ पर आइए आप लोग, सब लोग मिलें, और भैया आपको पूरी जानकारी भी देंगे, हमारे चैनल के माध्यम से पूरा बता रहे हैं। तो हमें भैया जी के श्रीमुख से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। जय सियाराम। जय माता काली, जो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी माता हैं वो काली हैं। नाम से मंदिर का नाम है कालीबाड़ी मंदिर। अच्छा, हाँ, इस मंदिर जो हमने आपको बाहर दर्शन करवाए हैं प्रवेश द्वार के, कालीबाड़ी मंदिर, वो माता यही हैं जिनको हम आपको साक्षात दर्शन करवा रहे हैं, माता के अधिष्ठात्री रूप में स्थापित है माँ। जय माँ काली, दक्षिणेश्वरी काली के नाम से जानते हैं माता को, विराजमान है ये, आप देख रहे हैं साक्षात दर्शन कर रहे हैं आप हमारे चैनल पर माता के। मंदिर के बाहर ये तीन मूर्तियां विराजमान हैं, और यहाँ पर बाबा जी विराजमान हैं। जय बाबा जी। और ये अधिष्ठात्री देवी माँ हैं जिनको हम आपको अद्भुत दर्शन आपको कर... जी अब आप बताइए आपका क्या नाम है और इस मंदिर का क्या रहस्य है? मेरा नाम स्वामी शिवानंद जी है जी। ये कम से कम 150-200 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, 1857 में जब
यहाँ गदर हुई थी कश्मीर में जी, उस समय माता जी आई है। अच्छा, और जो अंदर बैठी है माता जी, जी जो जिनके अभी हम आपको दर्शन करा के आए हैं, अभी जो दर्शन कराए हैं जी, वही एक ऐतिहासिक मंदिर है, सबसे प्राचीन, उसे दक्षिणेश्वरी कहते हैं, जो कि बंगाली बाबा कलकत्ता के एक फौजी थे जी। वो बंगाली बाबा लेके आए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, और उनके बाद फिर एक जो ये समाधि है शंकर जी का, नागा बाबा है। अच्छा, उन्होंने इसको रखा, पहले झूले पे रहती थी क्योंकि ये व्यवस्था नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर मंदिर का स्थापना किया गया स्वामी जगदीशानंद जी ने, जो कि अंदर जो सामने माता जी की बाकी तरह जो मूर्ति हाँ, लगी हाँ, है वो हाँ, सबसे बड़े गुरु जी हैं। अच्छा, उन्होंने स्थापना किया, स्थापना करने के बाद उसके बाद यहाँ बेहड़ था, कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे दिन पर दिन विकास हुआ, आज जो भी बना है अभी हाल फिलहाल में बना है, नौ देवी का भी मंदिर 2015 में बना है। अच्छा, जो कि राकेशपुर वाले बनाए हैं, 2015 में बनाया गया है, और ये जो जितना भी निर्माण कार्य हुआ है वो सब माता जी का कृपा से हुआ है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं, जो भी मनोकामना करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, सिद्ध होती है, सिद्ध होती है जी। क्योंकि क्योंकि यह एक सिद्ध मूर्ति है। सिद्ध मूर्तियां हैं, और उसकी जो कि तीन पीढ़ी साधना किया गया है, और हमारे जो जगदीशानंद जी हैं माता जी के समक्ष ही शरीर शांत किए हैं। क्या बात है, आप यहाँ पर कितने वर्ष से कार्यरत हैं माफी से बोलें? हम 2000 से कार्यरत हैं। अच्छा, 2000 से 22 साल आपको हो गई हैं यहाँ पर जी। हाँ, सेवा करते हुए। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं के निवासी हैं या फिर? हम यहाँ के, हम साधु है, सन्यासी है। अच्छा अच्छा, वैसे आपका निवास स्थान यही है? अच्छा, यही है। अच्छा अच्छा, तो आप भी माँ काली की सेवा में कार्यरत हैं, और आप लोग इटावा जिले में आइए तो माता के दर्शन कीजिए, और इटावा का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और सिद्धपीठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो हमें महाराज जी के स्त्रीमुख से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली, तो हम उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हमारा चैनल इसी प्रकार से तरक्की करता रहे और आप लोगों तक हम इसी प्रकार से सारी जानकारियां पहुंचाते रहें। अगर आपको हमारी पूर्ण वीडियो अच्छी लगी हो और पूरी जानकारी प्राप्त हुई हो और मैंने आपको संपूर्ण दर्शन भी कराए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम आप लोगों को इसी तरीके से मंदिर दर्शन करवाते रहेंगे। हम अपने चैनल पर ईशु भाई ब्लॉग्स आप ज़रूर देखें, और जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय।